हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अंशु चौधरी चैनल से एक अनदर वीडियो। इंस्टाग्राम सस्ते नशे अंशु चौधरी स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार माना कि ठंड में अकेले रहना मुश्किल है। कंबल में किसी को कडल करने का मन करता है, किसी के साथ घोड़ी घोड़ी खेलने का मन करता है। ठंड में घोड़ी घोड़ी खेलने का मन तेरा ही कर रहा है, बाकी जनता के तो ठंड में सिर्फ गोड़े दुख रहे हैं। अरे इसीलिए कहते हैं अपनी औलाद पे थोड़ा ध्यान दे लो, वरना ये ठंड में घोड़ी घोड़ी खेल जाएंगे और तुम सिर्फ इसी में रह जाओगे। देखो मेरे मुंह से धुआं आ रही है। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं सेठों में सेठ सावरिया सेठ और इंस्टाग्राम पर लौंडो को बिगाड़ रही है महिमा सेठ। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ भी बोल ले, मुझे बेड से तो नहीं उठा पाएंगे ना। मुझे बेड से तो सिर्फ मेरा एक्स ही उठा पाता था। एक्चुअली वो उठाता नहीं था, वो तो छाल देता था। एक्स ना हो गया, स्प्रिंग वाला गद्दा हो गया। अब देखो तुमको इस वीडियो में मजा आए ना आए, लेकिन कमेंट सेक्शन में तुमको बहुत मजा आने वाला है। तो मैडम के वीडियो के कमेंट सेक्शन की ओर जाया जाए। अगर वो सच में उछालता तो एक्स ना होता। एक बार सेवा का मौका दो, आपको छत से चिपका देंगे। अरे चिपकली है क्या? ये बैंगन, इतना मोटिवेट मत हो, इतना ही छत से चिपकाने का शौक है ना, तब मम्मी के साथ गोबर के कंडे छत पर चिपका ले। हम ना हमारे बेबीज का नाम रखेंगे टियोर्जिया। वैसे तुम्हें कितने बेबीज चाहिए? हैं? तीन? तीन कैसे करूंगी मैं? जैसे टिया और जिया होंगे वैसे बेचारा तीसरा हो जाएगा। अब तीसरे के लिए अलग से सिलेबस थोड़ी ना बनेगा। आज से मैं आपको प्यार से माँ लल्लू ही बुलाऊंगी। जो ललित मोदी ने इतना पैसा इसलिए कमाया कि कोई भी लौंडिया उसको आके लल्लू कह सके। धिक्कार है हम पर। अब मेरे जीवन में आ जाइए ना लल्लू, मेरे जीवन में रंग भर दीजिए। अच्छा, कौन सा रंग चाहिए मैडम? मेरा मतलब है नोट भर दीजिए। बहन डिसाइड कर ले पहले, नोट भरना है या रंग भरना है? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। इनको ये लगता है सुष्मिता सेन ने ललित मोदी से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। तुमने मुझे बाइट किया था ना यहाँ नेक पे। बहन अगर कुत्ते को बॉयफ्रेंड बनाएगी तो काटेगा ही ना। तुमने मुझे बाइट किया था ना यहाँ नेक पे, पता उसका निशान पड़ गया। जैसे तैसे छुपाया मैंने मम्मी से। और मम्मी से छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मम्मी ने अपने बाल धूप में सफेद ऐसे ही नहीं किए। सही बात। उनको अच्छी तरह पता है कि उनका सुअर कितना भूखाता है। क्या कर रही थी? खा रही थी मेरे बिना? ये तो गलत बात है महिमा के बाबू, तुमने महिमा के बिना ही खाना खा लिया। हग रही थी मेरे बिना? सही बात है बाबू, अकेले अकेले क्यों हग रहा था, पूरे मोहल्ले के साथ हगना था। सोनी जा रहे हो मेरे बिना? अरे जीने दे उसको तेरे बिना। कहाँ किस करोगे मुझे? यहाँ 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 और नीचे। देखो बिना कुछ गंदा हुए, बिना कुछ दिखाए लौंडे के अरमानों का पानी फेर दिया। ऐसे कहते हैं डेढ़ श्याणा। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। अच्छा सुनो, मेरे कंबल में आ जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। एक काम कर बहन, हीटर लगा ले कंबल में, क्या पता तेरी आग बुझ जाए। मतलब ठंड कम हो जाए थोड़ी बहुत। क्या मैसेज भेजा है आपने मुझे? देखती हूँ। हाँ, ये क्या भेज दिया? शर्म नहीं आती? मैं नहीं बात करूंगी आपसे। पहले तो खुद ही करियो, ठंड लग गई जब बेचारे बाबू ने फोन पे गर्लफ्रेंड थर्मामीटर भेज दिया। जो गर्लफ्रेंड है ना वीडियो कॉल पे, वो बहुत क्रिंज है। रज चाहिए क्या हो रज को? क्या खाना है? अरे मुझे खाने से थोड़ी ना तुम्हारा पेट भरेगा। क्या पता तुम्हारे बाबू का आदम खोर है। क्या दिखा दूं? बिजली का बिल दिखा दे, भर देगा बाबू। कुछ नहीं पहना। मेरा मतलब है पिंक कलर की पहनी है। कुछ नहीं पहना, मेरा मतलब है पिंक कलर का पहना है। अरे कहना क्या चाह रही है ये? और भेंचो ये बाबू कम और अंतर वस्त्र का व्यापारी ज्यादा लग रहा है। बाबू मादा, मेरा मतलब है पिंक कलर की पहनी है। अरे माता पिंक कलर की पहनी है बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बताने की क्या जरूरत थी है? अब ये तेरी पिंकी वाली वीडियो देखे ये लौंडे जो इनकी पिंकी करेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे। क्या बोल रही है आंटी पीछे से?
आंटी बोल रही है बेटा पिंक मत पहन, ऐसी लौंडियों से दूर रहकर ये बर्बादी का कारण है। पता है हमारा एक टूथपेस्ट की तरह होता है, एक बार पेस्ट निकल गया तो उसको वापस अंदर डालना कितना डिफिकल्ट काम है, अब इसको डबल मीनिंग में मत लेना। अरे हमने तो सिंगल ही मीनिंग लिया है, लेकिन मैडम ऐसे एरे गेरे टूथपेस्ट यूज करोगी तो ये नौबत तो आएगी है, अच्छी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करो जो बाहर ही ना लिखे रहे वेंचर। मैं हमेशा अपनी लाइफ में तीन तीन महीने के सीरियस रिलेशनशिप करती हूँ यार। मैडम तीन तीन महीने के सीरियस रिलेशनशिप में रहती है, यहाँ हमने 25 साल से अपनी जिंदगी को सीरियस ना लिया और फिर खुद ये कहेगी एक्स तो टूथपेस्ट जैसा। अरे बहन तीन तीन महीने में टूथपेस्ट बदलेगी तो कमरा भर जाएगा टूथपेस्टों से। मैं हमेशा अपनी लाइफ में तीन तीन महीने के सीरियस रिलेशनशिप करती हूँ यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी के साथ हो ना तो आप अपना 100% दो यार उस इंसान को। तीन महीने में 100% दे दो किसी को। अरे तीन महीने में तो किसी सामने बाला या बाली चिरान का ये ना पता चलता ये किस खेत की मूली है। पहला महीना मुझे उस इंसान को जानने में निकल जाता है, दूसरे महीने में मेरे को समझ में आ जाता है दैट ही इज नॉट माय टाइप, और तीसरे महीने में खैर अपना पल्ला छुड़ाने में एक महीना निकल जाता है यार। लेकिन ये कैजुअल रिलेशनशिप के नाम पे ना मैं लोगों के दिल भाई, तीन महीने का रिलेशनशिप को कैजुअल नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे। लेकिन तीन महीने में 100% दे के उसका काट भी देना है। वाह दीदी, लड़के दो टाइप के होते हैं, पहले 11 रणवीर अलाहाबादिया टाइप के और ये दूसरे शांत टाइप जाकिर जैसे। मैडम जिस हिसाब से तुम्हारी जवान की कतरनी चलती है ना उस हिसाब से तुम्हारे लिए ध्यान रहेगा। मुझे लगता है सारे लड़के टॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल टॉक्सिक है। वाला जोक नहीं, देखो भाई और किसी की पूछ दो ना दो इसकी पूछ जरूर दे दो, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पर गोबर ही करना है, कम से कम पूछ रहेगी तो पता नहीं चलेगा कि कब करके चली गई गोबर। मैं कॉकरोच बनना पसंद करती, मैं चप्पल खा के मरना पसंद करती। देखो सबर का फल मीठा होता है, सबर करो, जैसे तुम्हारे कंटेंट है ना बहुत जल्दी चप्पल पड़ने वाली है तो फिर पूरी कॉकरोच वाली फीलिंग लेना। भाई मेरा भी मन करता है कितनी बार आधी रात को गाड़ियों के पीछे भागू भौंकू। ये दोनों जानवर रूही राय और ये, क्योंकि उसको आदमी कुत्ते लगते है, इसको कुत्ते बनना है। कुत्तों को देखो उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है। क्या सॉर्टेड? गली में बचा रहे हैं, एक बारी में 7-8 बच्चा पैदा कर रहे। बहन रोका किसने, घर छोड़ दे कुत्तों के साथ जा, खूब बच्चे पैदा कर 6-7-8-9, कतई टेंशन मत ले एजुकेशन की लोन की एफडी की, क्योंकि भगवान ने चोंच दिया है तो चुगा भी देगा। मस्त रह तू, खूब तू ज्यादा लोड मत ले, तेरा कुत्ता बनने से किसी को घंटा भरना पड़ेगा। लड़कियों की आबादी बढ़ गई है, मतलब क्या अब हमें कोई डीएमसी नहीं करेगा? ये नहीं बोला पैरों की फोटो भेजो ना। यहाँ इनको ये परेशानी है कि भैया लॉन्डे इसकी टांगों की फोटो नहीं मांग रहे हैं, और अगर जो टांगों की फोटो किसी ने मांग ली ना फिर फेमिनिज्म का झंडा लेके घूमती रहेगी स्क्रीनशॉट लेके। और कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नए टाइप के हो तो चैनल करो सब्सक्राइब, घंटा वंटा दबा दिया करो, और लास्ट में दो लाइन जो हाजा से बोलती हूँ कि देखो जिंदगी में ना किसी और के जैसे बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो, तुम तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, क्योंकि उसने जब बनाया है ना बड़ा शिद्दत से बनाया है ना तो तुम परफेक्ट हो। किसी से इंस्पिरेशन लो लेकिन उसके जैसा बनना, जब एक के जैसे ही सारे हो जाएंगे तो फिर दुनिया तो एक जैसी हो जाएगी ना, तो कुछ हटके करो, सिर्फ सीखो लोगों से। ठीक है, नमस्कार बंदे मातरम। ओके भाई यहाँ पे वीडियो खत्म। और मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता भैया कि हाँ इनकी बातें किधर को जा रही हैं, क्या जा रही हैं, क्या जा रही है। मतलब लड़कों की तुलना टूथपेस्ट से कर दी अपने। अच्छा अपना एक्स सभी को बुरा लगता है, ठीक सभी को बुरा लगता है, लेकिन ये बात बात में एक्सेस की बिचिंग करना, भाई तुमने भी तो उसे पसंद किया था है ना, खाली उसी ने तुम्हें थोड़ी ना पसंद किया था, फिर आपस में बाद में जान पहचान हुई, नहीं कंपैटिबल लगे तो छोड़ दिया, तो पसंद तो तुमने ही किया था ना, तो अब क्यों पिचिंग कर रही है जब मतलब यार पहले जब तुमने मतलब पसंद कर लिया उसे, अब उसी को बोल रही हो कि हाँ नहीं ये खराब है, ये ऐसा है वैसा है, तो भैया पसंद भी तुम ही ने किया था, ठीक है तो अब मत ऐसा करो। सो गाइज आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं बोलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।